गाना है ये दीवाना। कैसे हो आप सब? और अभी चलते हैं क्लास के लिए। बाय द वे वैसे आज संडे है बट एग्ज़ाम चल रहा है तो क्लास के लिए जाना पड़ता है। सो क्लास के लिए चलते हैं और उसके बाद आके मिलते हैं। धूप बहुत तेज़ है तो मिलता है गाइस आपसे क्लास के बाद। फाइनली क्लास दे के मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे ब्लॉग करने मेरे को बहुत अच्छा लगता है। वैसे मकसद से किसी और मकसद से आया था, सफाई करने के मकसद से आया था, लेकिन हम सबका मकसद तो एक ही है, चीम टपाक डम डम। एंड अभी सब लोग नीचे सो रहे हैं क्योंकि एक बज रहा है, तकरीबन एक डेढ़ बज रहा है। और सफाई करता हूँ अभी। और लड्डू दीदी गए हैं कॉलेज, लड्डू गया दीदी को कॉलेज लेके, तो पहले रूम की सफाई करते हैं क्योंकि ठीक से सफाई संडे को ही हो पाती है, संडे को मेरे को टाइम मिलता है। एंड अभी सफाई करते हैं, उसके बाद नीचे थोड़े कपड़े प्रेस करने हैं, फिर शाम को हम लोग कहीं शूट पर जाएंगे, मैं और शिवम, तो वहाँ की लोकेशन आपको आज चेक कराएंगे। और आज रौनक के साथ भी एक प्रैंक करना है क्योंकि रौनक ने हम सबको सोते हुए उठा दिया था, तो आज रौनक के साथ हम लोग कुछ ऐसा करने वाले हैं, जैसे ही रौनक दोपहर में सोएगा उसका कुछ ना कुछ खुदिया बिगाड़ देंगे। लड्डू ने सुबह क्या किया, हम लोगों के ऊपर फेविकॉल डाल दी, दीदी के यहाँ पे फेविकॉल डालता था, आज हम कुछ करेंगे जब वो सोएगा। ऑलमोस्ट रूम की सफाई जो है कम्प्लीट हो चुकी है और मैं भी नहा धो चुका हूँ, तो रूम आर यू रेडी? क्या क्या दीदी कह रही है बिंदी लगाने की, चलो अब आप चलो ना साथ में। क्यों मतलब पिटेंगे हम दोनों पिटेंगे? चलो चलो आप चलो। परी ले लिया सामान? क्या क्या लिया है ये देख लो, आ जाओ चलो चलो आओ। सो उठा हुआ है वो, सोया ही नहीं है अभी, मतलब आँख खुल रही थी, छान छान के देख रहा है। परी लेके गई मेहनत से सब उठा के सामान, परी लेके गई सामान रेडी करके और वो उठा हुआ है। दिमाग चुप के कैसे देख रहा है, से मिलवाते हैं। और हेयर इज रौनक भाई, आफ्टर लॉन्ग टाइम भाई हमारे ब्लॉग में विथ अपने बडी के साथ, गिटार के साथ। आज आपको रौनक भाई बहुत बढ़िया बढ़िया गाने गा के सुनाने वाले हैं। हाँ तो कहाँ जाके पता चलेगा, कुछ सरप्राइज है ठीक है, वो बाद में बताएंगे। अभी शिवम भी आ रहा है उसके बाद, और यहाँ पे शक्ल थोड़ी अच्छी आती है धूप की वजह से, इसलिए मैं यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि लाइटिंग अच्छी पड़ती है ना डे लाइट, इसीलिए। फाइनली हम लोग आ चुके हैं ग्रीन वैली अपने यहाँ के नज़दीकी पार्क में, रौनक भाई के साथ, शिवम भाई के साथ, और साथ में मैं तो आपको दिखाई दे रहा हूँ, मैं तो हर ब्लॉग में दिखूँगा यार, मेरे बिना कैसे चल जाएगा ये ब्लॉग अगर मैं नहीं, हाँ कहाँ चलना अगर मैं नहीं रहूँगा तो कहाँ कैसे चलेगा भाई, यहाँ कहाँ बजाओगे? कुछ है उधर लोग हैं, क्राउड है, फर्स्ट टाइम भाई भी क्राउड में गाने वाले हैं, पता है और गड़खड़ा जा रहा है भाई, क्राउड में गाओ तो ना डर से लगता है कि हाँ भाई क्या होगा, नर्वस है अभी भाई, नर्वस है। एपी में क्या सीखा था, हाउ टू रिमूव योर हेजिटेशन। हम लोग माइक लगा के रेडी है और इधर है हमारे रौनक भाई। शराबी ये हो गया, संभालो मुझको ओ मेरे यारो, मुलाकात हो तुम मेरे साथ हो, जीने की वजह तुम बनो बन के मरे मर, अब को मिला है मैं मिल गया मैं मुकम्मल हुआ, मुलाकात जरूरी है जरूरी, मेरी बाहों में तू इरादों में तू है जुदाई के, हल्कों से फिर भी बादल हटते नहीं है, खुद को मैं हंसाऊं कैसे, माने ना मनाऊं कैसे तू बता, यहाँ चल रहा है बच्चों का मैच, पता नहीं कबड्डी नहीं है लेकिन ये आप लोग सोच रहे हैं कबड्डी है,
कबड्डी नहीं है, आपको पता है क्या है ये? नहीं नहीं पता। दोनों भाई आपको पता है कौन सा गेम चल रहा है? भाई दोनों भाग रहे हैं, एकदम तीन दबाग दम दम। तो गाइस पता तो नहीं, लेकिन जैसे संख्या पाँच संख्या एक चला रहे हैं, तो जो फिफ्थ मतलब पूरे रो में जो फिफ्थ नंबर वाला बंदा है वो रन कर रहा है, और अगर एक चला रहे तो एक रन, एक मतलब जो फर्स्ट नंबर पे वो बंदा रन कर रहा है। एक बात बताओ, अगर हम उधर बैठते हैं जी तो वहाँ से यहाँ तक आवाज आएगी हमारे गाने की? थोड़ी बहुत, थोड़ी बहुत। हाँ इधर थोड़ा बंद है शायद, करना चाहिए इसका सपना बता दो, बोल के बैठ जाओ। करना चाहिए क्या माइक? करना चाहिए, कर देते हैं ना यार, कर देते हैं। डर लगता है, आओ आओ मेरे पीछे, के आगे जीते हैं, चलो भाई मेरे पीछे, तो देखते क्या होता है। तो गाइस हम लोग यहाँ पे बैठ चुके हैं, बंद कर दीजिए। ओके सो हम लोग यहाँ पे रेडी कर चुके हैं अपना सॉन्ग, यहीं पे सीट ठीक है भाई? डर तो नहीं लग रहा आपको? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं लग रहा। अगर डर लगे तो बोलो माउंटेन ड्यू। मेरे 10 रुपये गिर गए। 10 रुपये भाई, वाह 10 रुपये, 10 रुपये मिले हमें पाइप पास। गाइस मैं आपको एक बात बता दूँ कि हमारे साथ में बॉबी भाई भी है जो वीडियो बना रहे हैं, ठीक है वो भी आएगा अभी बाद। यहाँ पे सोचा था हम यहाँ पे वीडियो बनाएंगे, ये तो सब जा रहे हैं, उधर दिखा दो देखो सब चले गए। दर्द ही दर्द बाकी रहा है सीने में, जांच लेना ही भर तो आदत सी है मुझको। बर्ड्स ओपन करने तो गाइड जैसा सोचा था वैसा तो कुछ हुआ नहीं। चलो 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 अब आएंगे ना सब भाई। आई एम जस्ट चेकिंग। हाँ तो अब देखते हैं आगे चल के क्या होगा क्या नहीं होगा। बोलना चाहोगे कुछ? मैं क्या बोलना चाहूँ, आप किसे किसे फ्रेम में लेना चाह रहे हैं? हम सच बात बताऊँ, पता है हम लोग आए थे यहाँ पे कि सिंगिंग करेंगे, मतलब दूसरी जगह पर दूसरी लोकेशन चेंज करी, वहाँ पे तो कोई आया भी नहीं था। तो गाइस अभी जो बजाया मतलब गिटार जो बजाया था तो ऐसा हो रहा था मतलब वो ना एकदम खुला एरिया है, तो वहाँ पे साउंड जो है ना प्रॉपर लोगों तक दूर तक नहीं पहुँच रही है, वो बस आसपास में ही थी, मतलब जितनी भी आसपास में ही थी ज़्यादा दूर तक जा नहीं रही थी क्योंकि बिल्कुल खुला एरिया है। ये चीज़ पता है, ये चीज़ मैंने जाते समय ही बोली थी कि अभी तो गा रहे हैं, वहाँ पे जाके आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि खुला एरिया होता है वहाँ पे, आवाज़ नहीं, वहाँ पे ओपन एरिया होता है, वही चीज़ हुआ है जाके और वही हुआ, बट बढ़िया था यार। गाइस पहले एक बात बताऊँ आपको, ये मेरे को व्लॉगिंग करनी आती नहीं, ठीक है तभी अभी से लग रहा है व्लॉगिंग करते हुए, जैसा भी देखते हैं क्या होगा। इसकी नॉइस तो नहीं आएगी ना? इसकी नॉइस भाई माइक अच्छा है तो क्यों नॉइस आएगी, डिजिटेक का शेर, गरीब आदमी मैं गरीब हूँ। अब हमारा प्लान बदल गया, मैं जा रहा था अपने घर पे, अब मैं आ रहा हूँ भाई, भाई ने प्लान चेंज कर दिया, अब भाई को मैं ज़बरदस्ती उठा के ले जा रहा हूँ अपने घर पे, तो चलते हैं घर पे अपना कार्यक्रम शुरू करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। चलिए गाइस रौनक भाई की मम्मी का फोन आ चुका है, रास्ता हमारा ब्लॉक हो चुका है, उससे पहले रौनक भाई घर से कॉल आया, थोड़ा रास्ता देना जाना है घर, तो रौनक भाई को अब तनिक सा रास्ता दे के जा सकते हैं। थैंक यू थैंक यू, आ जाए। हाँ बताओ भाई, फिर घर नहीं जाओ, घर जाओगे सीधा? घर ही जाएंगे अभी, बताओ वो बच्चे खड़े थे ना पीछे बोले वीडियो बनाने। भाई मैं भी फेमस हो गया, लोग नोटिस कर रहे हैं क्योंकि हम ब्लॉगर हैं भाई, इतने बड़े बड़े हमारे 50 मिलियन सब्सक्राइबर हैं तो भाई क्या सकता है। और क्या हाल है? हेलो भाई, भाई क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया भाई, हमारे मजे में भाई, कहीं तो देखा है मैंने भाई को, देखा है कहीं तो देखा है। ओ भाई तुम्हें शकल देखना भूल गया भाई, कहीं तो देखा है। हाँ दल्लूपुरा में स्कूल में देखा। अरे हाँ दल्लूपुरा, अच्छा अच्छा साथ में पढ़ो क्या? पता नहीं दल्लूपुरा का चीता ही कहते हैं, दो बिछड़े हुए दोस्त मिला दिया हमने मेरी क्लास में था। ओ भाई क्या हुआ, क्या कर रखा है ये? क्या 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 बताओ, माइक ऑफ कर रखा था इसका, ऑन था यार अभी, अब रिकॉर्ड ही नहीं हुआ होगा इतनी देर से मेरे घर जा रहे थे। करते रहो ना भाई को, बाय बाय टाटा, चलिए बाय। अरे शिवम बाय। फाइनली घर पे आ चुके और यार पैर मुड़ गया रिश्ते में, और शक्ल की हालत देखो, शक्ल की हालत कैसी हो गई भाई, धूल मिट्टी में परी की शक्ल से भी खराब शक्ल हो गई मेरी, अब थोड़ा फेस वॉश करते हैं। नहीं परी से अच्छी है, अब ज़्यादा बेकार हो गया धूल मिट्टी, धूल मिट्टी की वजह से। परी के बराबर परी शक्ल दिखाई अपनी, शक्ल दिखाई अपनी गंदी है ना, गंदी शक्ल
क्या कहना चाह रहे थे? अभी लेके आते हैं कुछ सामान, एलोवेरा जेल वगैरह कुछ लेके आना है, क्योंकि दीदी बना रही है मेरे लिए क्रीम, मेरी ब्यूटी के मुझे गोरा करने के लिए दीदी को क्रीम बनानी है, तो एलोवेरा जेल लेके आते हैं। लाओ पैसे। तो और क्या लेके आना है? आज मम्मी स्टमिंग करते हुए यू के ले ले पे क्या हो रहा है ये? बैठ के पकड़ दे सब, बैठ के है। कुछ भी देख लो भाई, सीखने किसी को क्लासेस लेनी है तो ले लो, मम्मी से क्लासेस लेनी है तो। चार्ज क्या रहेगा क्लासेस का? 50,000 रुपए आएंगे कैसे बंदे अगर चार्ज इतना ज्यादा रहेगा तो? गाइस देख लो भाई, ज्यादा एक्सपेंसिव हो रही है। अगर किसी को क्लास लेनी है तो ब्लॉग को करते हैं यहीं पे खत्म। उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलता है आपसे जल्दी एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।